ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದೋದ್ರಿಂದ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗಬಹುದು ಅಂತ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ಹೊರೆಯಾಗಬಹುದೇ, ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಬಹುದೇ, ಸಿಗರೇಟ್ ನಿಂದ ಬಾಯಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಬಹುದೇ, ಹೃದಯದ ರೋಗ ಅಥವಾ ಎಂಫಿಸಿಮಾ ಆಗಿಸಬಹುದೇ? ಮುಂದಿನ ಸಲ ಬೀಡಿ ಅಥವಾ ಸಿಗರೇಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದಿದ್ರೆ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗಬಹುದು ಅಂತ. ಧೂಮ್ರಪಾನ ಹಿಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ 1800112356 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ 01122901701 ಗೆ ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಕೊಡಿ. ನನ್ನ ಬದುಕು ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇತ್ತು. ಒಳ್ಳೆಯ ಗಂಡ, ಎರಡು ಮುತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳು. ಆದರೆ ತಂಬಾಕು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೆಡಿಸಿಬಿಡ್ತು. ಈಗ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ನನ್ನ ಮುಖದಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಯಾವುದೂ ಮೊದಲಿನ ಥರ ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ತಂಬಾಕು ನನ್ನ ಬದುಕನ್ನೇ ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು. ಖೇನಿ, ಗುಟ್ಕಾ, ತಂಬಾಕು, ಜರ್ದಾ, ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತವೆ. गिर जाओगी, ओके? अब इस समय तो मैं सर्कस कैसे ले जाऊं? तुम ही बोलो। बॉम्बे जाने पे सब साथ चलेंगे, ओके? नो। जिद नहीं करते बेटा, मैंने तुम्हें आइसक्रीम दिलाया, बलून भी दिलाया, वो सब छोड़। तुम्हें सर्कस में कौन ज्यादा पसंद है? मैं बताऊंगी। मुझे पता है, मैं बताऊं? जोका। जोका क्या बोलता है? हंसो हंसो और हंसो, जोर से हंसो और जोर से। ठीक हो।
ही जाना अच्छा होगा भैया। एक लीटर पेट्रोल का दाम पता है आपको? 6 रुपए। डीजल का 3 रुपए। अब कौन पागल कार खरीदेगा? सब लोग बैलगाड़ी पर ही घुमा करेंगे। भैया बस घर पहुंचने ही वाला है। कार से उतरने के बाद जितना मन हो उतना उल्टी कर लो, बस कार में मत करना, नहीं तो सारा मुझे साफ करना पड़ेगा। मेरे भी विभाग में भी ऐसी है, जब देखो तब उल्टी करती रहती है। 5-6 महीना चल रहा है ना, इसलिए। अब कितने बच्चे हैं बकरू? कैमरा 8वां। पिछली बार जब हम यहाँ आए थे तब 7वां था ना? नहीं दीदी, 11वां। आप 4 साल पहले आई थी ना, तब तो क्या मैं चुपचाप बैठ गया? 11 बच्चे। क्रिकेट टीम बनाने का इरादा तुम्हारा? हम पैर बना दिया मुन्ना। यहाँ ये सब नहीं करते, अब उसी क्यों तंग कर रही हो? पूरे रास्ते तो उल्टी करते हुए आया ये। अरे गाड़ी में चश्मे का कवर खुला, जरा ले। विश्वनाथ भाऊ, गाड़ी की आवाज ही नहीं आई। अरे वो सब छोड़ो, ये सब क्या है? मोहन चंद्रा, अपर्णा। वाह वाह छान, कितने बड़े हो गए हो। अरे इन्हें देखे हुए 11-12 साल हो गए, बच्चे ही रहेंगे। वही नहीं, क्या बात है एकनाथ, दोन के अलावा सब फिट है। आप भी तो चमक रही है, शादी बेटी की है और आप? शादी सब सोचा शादी की तारीख तय करने से पहले आपसे पूछ ले। लड़का हमारी जात का है ना? नहीं भाई साहब, अपने टेक्सटाइल मिल के पार्टनर का बेटा है, पहले ही रिश्ता तय कर दिया था। पहले से कुछ मोटे हो गए आप भाई साहब। कितने दिनों के लिए आए हो भाई साहब? वो शादी यही करने का इरादा है। तो कौन सा मंदिर? कमरोटू घर में, शादी होने तक हम रहेंगे भी। विश्वनाथ पता है, अगर हमने वहां का ताला खोला तो जानते नहीं क्या होगा। भाई साहब, माँ बाबा को पन्ना की शादी देखने की बहुत इच्छा थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। एटलीस्ट उनके घर में ही शादी का कार्यक्रम कर ले। इतने सालों से बाहर थे, तब ख्याल नहीं है? घर में कोई भी शुभ कार्य होता था तो मेरे बाबा आपके बाबा हमेशा साथ खड़े रहते थे। मैं चाहता हूँ आप भी उसी तरह आगे आकर इस शुभ कार्य में हिस्सा लें, इसीलिए आपसे आज्ञा मांग रहा हूँ। किस बात की आज्ञा? जब मेरी बात का मान ही नहीं तो आज्ञा कैसी? शादी करने से। विश्वनाथ भाऊ, दादा सही कह रहे हैं, लेकिन फिर भी आप वहां रहना ही चाहते हो तो ताला खोलने से पहले पूजा करवा लेते हैं, तब तक आप सब लोग यहीं रहिए। ठीक है भाई साहब। शक्लो भाभी होगी कहीं, खुद ही देखो। आज्ञा मानने आया, आज्ञा। एकनाथ भैया भाभी आज भी बात नहीं करते? नहीं भाऊ। क्यों अंकल आंटी एक दूसरे से बात क्यों नहीं करते? हमारी शक्लो बहनी का दिल बच्चे जैसा है। उनका लड़का संजू जब वो छोटा था तब वो भूतनाथ के मंदिर में गहनों की चोरी करते हुए पकड़ा गया। दादा ने उसे खूब मारा और उसे गहने वापस लाने को कहा। उस दिन से वो जो गया आज तक वापस नहीं आया। उसके बाद से शकुवैनी ने दादा से बात करना ही छोड़ दिया। इस बात को 28 साल हो गए। होने वाली है, महिला को बोलकर सारी गोलियां अंदर रखवा दो। लंदन से आ रहा है। लंदन से कौन आ रहा है? लंदन हमारा संजू, संजू वापस आ रहा है। Hey, it's Fakira.
ऊंची नीची वादी चलती रुकती गाड़ी टिकट कटाके आदि चक पे चलो धक्का हो या मुक्का टिकटा तू भी पक्का लेकिन बड़े मालिक को तो तुम जानते ही हो ना, वो जबरदस्ती उनको साथ में लेकर गए। मायला, ये पानी बिट्टू घर कैसे जाते? हम गाड़ी से जाएंगे तो 2 घंटे लगेगा, यहाँ एक कच्चा रास्ता भी है, उधर से हम पैदल गए तो 15 मिनट लगेगा। माँ को सरप्राइज देते हैं। चल, मैं इतनी रात में, वो भी वहाँ, मेरी लाश भी नहीं जाएगी। क्यों? वहाँ पर ब्रह्म राक्षस है। ठीक है, बैग वहाँ रख देना, मैं अकेले जा रहा हूँ। अरे संजू भैया, मजाक नहीं कर रहा हूँ। ए मायला, चले तो गए, वापस आएंगे क्या? आज तक कमोरोटू घर के सामने से कोई वापस आया है? ಯಾರ್ ನೀವು? ಬನ್ನಿ, ಮೊದಲು ನೀವ್ಯಾರು ಹೇಳಿ. ನೀವು ಜನಾರ್ದನ್ ಅಂಕಲ್ ಮಗ ಸಂಜುನಾ? ಹೌದು. ಪನ್ನಾ ಮತ್ಲಬ್ ಅಪರ್ಣಾ, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬಲ್ಲಾಲ್ ಕಿ ಬೇಟಿ. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬಲ್ಲಾಲ್ ಕಿ ಬೇಟಿ ಇತ್ನಿ ರಾತ್ ಕೋ ಯಹಾ ಔರ್ ವೋ ಭಿ. ಕ್ಯಾ ಹುವಾ? लोग तो कह रहे थे यहाँ कोई आता नहीं, फिर ये मिश्राए विश्वनाथ, तुम्हारी बेटी का दिमाग खराब हो गया क्या? मुंबई से आई तो खुद को सया नहीं समझ रही है।
लड़कियों को अकेले घूमने ही क्यों देते हो तुम लोग? दादा अब गलती तो हो गई है। तू चुप कर। जनार्दन दादा, बिटिया से गलती तो हो गई है, आगे क्या करना है तो विचार। मैं क्या बोलू, और जिसने विदेश से यहाँ आकर मुसीबत खड़ी की उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं, उससे जाकर बोल दो इस घर में कदम भी न रखे। विश्वनाथ, कमरटू घर का दरवाजा नहीं खुलेगा, चाहो तो शादी यहीं से कर लो। किसी गैर के मन में से अपने घर के दरवाजे कैसे बंद कर? तुम्हारी जिद से कहा वालों को मार टुकिया। दादा, जब से संजू ने भूतनाथ मंदिर से गहने चुराए तब से कमरटू परिवार में कोई भी शुभ कार्य नहीं हुआ है। कल आप परिवार समेत वहाँ जाकर उस स्थान पर पूजा करवा लीजिएगा। आंटी, इनका गुस्सा अब तक ठंडा नहीं हुआ, लेकिन संजू को देखो, अपनी माँ से भी मिलने नहीं आया। मैंने इतने साल उसका इंतजार किया है। कैसा दिखता है मेरा संजू? उसने मेरे बारे में कुछ पूछा क्या? सॉरी आंटी, मेरी वजह से संजू ऐसा नहीं है। इधर आओ बेटी, इनका गुस्सा तो ऐसा ही है, उनको बस एक बहाना चाहिए था किसी तरह संजू घर के अंदर ना आए। घर के अंदर नहीं आ सकता ये बोला, घर के बाहर नहीं खड़ा रह सकता ये तो नहीं बोला ना। माँ, बिल्कुल याद नहीं आई मेरी, डरता देख तुझे देखे बिना ही ना मर जाऊं। अब मैं आ गया हूं, देखता हूं कौन ले जाएगा तुमको। शैतान कहेगा तू बहुत बदल गया। गोलियों में अनाज और खाने पीने का सामान नहीं रखा गया है, मूसा खाने का चोरी का माल है। क्यों बालू, लगता है गार्ड की नौकरी तूने अपने दिल पे ले ली है ना महावीर भाई? नहीं किशोर भाई, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। मैं अपने बाबा को वहाँ छोड़कर आया हूँ उस पर निगरानी रखने के लिए। चलो महावीर भाई। केशव चल, ये लोग बहुत ही खतरनाक लग रहे हैं, कहीं इनकी वजह से दूसरी सवारियों की जान खतरे में ना पड़ जाए। अरे गाने बजाने वाले सामने ही तो बैठे हैं, बस एक पागल आदमी है जो जीप में बैठा सीटी बजा रहा है। आओ महावीर भाई, यही लोग हैं, देखो जरा बच गए ना। महावीर भाई, महावीर भाई, मेरे पापा को बचा लो। चल जो कहेंगे, अपने आप को बहुत चालाक समझता है, उस इंस्पेक्टर से हमारी शिकायत करेगा। गलती हो गई महावीर भाई, मेरे पापा को छोड़ दो, मेरे पापा को छोड़ दो, मैं आपका आगे हाथ जोड़ता हूँ महावीर भाई, छोड़ दो। अब जो नया इंस्पेक्टर आएगा वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा तेरे बाप की लाश ढूंढने में। सुनो, तुम लोग कभी सुखी नहीं रह पाओगे। फिर दुबई से क्या हुआ? ए, चलत!
बंदा ना ले इसे गोली इसकी उसकी सबकी अम्मा दुश्मन सारे दल दल तबे सबकी तबाही इसका जुम्मा अंदर डर से हटारे बिजली का रज के पतारे दुश्मन के निगर से पतारे कंपनी देने वाली थी सोकर अब आराम से उठी होगी पापा ये कमोट्टू है ना कमोट्टू नहीं बेबी कमरोट्टू पापा बाहर से क्रिकेट की आवाज आ रही है ना ये बहुत है मेरा दोस्त भास्कर बता रहा था इन क्रिकेट को पकड़ते हैं फिर उन्हें पत्थर से मारकर क्रिकेट की बॉल बनाई जाती है ये भास्कर कौन है और तुमसे बातें क्यों करता है जानता ना तुम्हारा पापा पुलिस है चिंता मत कीजिए पापा मैं उससे शादी नहीं करने वाली हूँ बहुत शैतान है वो गुड तुम्हें पता है गुड्डी जब मैं छोटा था ना कमरोट के स्कूल में 3-4 महीने पढ़ा था मैं कई कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था मुझे क्यों दादाजी के पास गाड़ी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे क्या गाड़ी खरीदने के लिए पैसे थे उसे चलाने के लिए सड़क नहीं थी ना देख कर गाड़ी चलाओ पापा करेंगे तुम्हें अपनी पीठ पर लाद कर पैदल चलेंगे पापा इस जंगल में जानवर है क्या जंगल है तो वो भी होंगे ना गुड्डी पापा वहाँ देखो ये ब्रिज तुम्हारे दादा से भी पुराना है भास्कर बताता है जब ब्रिज बनाते हैं तब पानी को नदी से निकाल कर टैंकी में भर देते हैं और ब्रिज बन जाने के बाद पानी को वापस नदी में छोड़ देते हैं और क्या क्या बताता है तुम्हारा वो भास्कर सच में सब जानता है कुछ भी पूछ लो सबका जवाब है उसके पास जाने के लिए सबको लेके जाना जरूरी था क्या इतने बच्चे पैदा क्यों किया तुमने मैंने तो मना किया था तुमने तो मना किया था लेकिन मेरा मन नहीं मना ये क्या कर दिया मास्टर जी आपने घुसेड़ने के लिए मेरा ही मिलता है तुमने मेरी सीटी नहीं सुनी थी क्या निकल निकल अरे रुको ना अरे रुको अरे पकड़ रुको अरे मेरी बात तो सुन क्या हुआ मास्टर जी इंस्पेक्टर की बॉडी मिली है सच है क्या कमरट्टू करके कुएं के अंदर लाश झूल रही थी एक पैर में जूता नहीं था मुंडी भी गायब थी
मैं मुंडी के बारे में बात कर रहा हूँ, पिंडी दिखा रहा है। मुंडी की? हाँ, मुंडी तो नहीं मिला। बिना मुंडी के कैसे पता चला कि वो इंस्पेक्टर है? वर्दी से पता नहीं चलेगा क्या? कैसे? मतलब अगर मैं तुम्हें वर्दी पहनाकर मुंडी काटूं तो तुम इंस्पेक्टर हो जाओगे? मास्टर जी, बच्चों के सामने गधा मत बुलाइए, वो लोग वही बुलाएंगे बाद में। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, बच्चों को लेकर स्कूल जल्दी आ जाना। मास्टर जी, आज तो स्कूल की छुट्टी है ना? किस बात की छुट्टी? अभी आज छुट्टी क्यों है? वो पीटी मास्टर मर गए ना? क्या क्या कहा उसने? आप जाइए, ठीक है, जल्दी से बच्चों को ले आना। ए, वो कौन? तेरा बाप जा रहा है? चल भूल जा, देखिए बोला चल, झूठ बोलता है। सर 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 सर, गुड मॉर्निंग सर। नाम क्या आपका? मन्ना तावड़े सर। मन्ना तावड़े, कल हम स्टेशन पर आपका इंतजार कर रहे थे, आप नहीं आए तो थोड़ा घबरा गए। घर का कैसे पता चला सर? कुछ गलत हुआ क्या? कहाँ पैसा क्या? मैं ऐसी बात नहीं है सर, कमरेटो जंक्शन के पास मेरी जीप पंक्चर हुई है, वो किसी को भेज के लगेज मंगवा लेंगे। हो लाता हूँ सर। सर मैं गडंगरा कामा होटल से नाश्ता लाया हूँ सर। ठीक है लाए, चलो कोई बात नहीं, जल्दी भेज। सर अगर आपको स्टेशन जाना है तो पुराना इंस्पेक्टर की बाइक पीछे खड़ी है, चलता हूँ सर। गुड मॉर्निंग, उठ गई आप? गुड मॉर्निंग, आज क्रिकेट मैच है ना? गुडी गेंद की तरफ से बकरुद्दीन मोहिदीन, हाथ में गेंद लेकर पिच को देखता हुआ, पिच तो अच्छा है और उधर बल्लेबाज बड़े बनियान छोटे चट्टी में, हाथ में बल्ला सब खुल्लम खुल्ला, तरफ ने बॉलिंग मार के तेज गेंदबाज बकरुद्दीन मोहिदीन आगे पीछे रगड़ता हुआ और गेंदबाज तैयार भागते हुआ। हेलो, हाय, आप हमेशा ऐसे ही एंट्री मारती हो क्या? नहीं, वो कैच करने आई और दीदी, मैंने तो आपको कैच पकड़ने के लिए बोला, आपने तो मैच ही पकड़ लिया और उधर वो पागलों की तरह भाग रहा है। उसको छोड़ो, पहले आपको छुड़ाते हैं। संजू भैया, मैं आप लोगों को छुड़ाता नहीं तो आप दोनों इस जाल में ऐसे ही, जरा सोचिए ऐसे ही। मुझे भी यही टेंशन था। आप पूरी रात इसी जाल में फंसे पड़े थे, मतलब सो रहे थे? सो तो रहा था लेकिन आजकल नींद ही नहीं आती है पकड़ो। मुझे भी नहीं आती, सर्दी ज्यादा है ना। आप यहाँ सोए थे? यहाँ मच्छर वच्छर नहीं काटते क्या? मच्छर तो संगीतकार होता है, गुन 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 गुन। अच्छा है, मच्छर था, शेर नहीं। वो छोड़ो, एक बात बताओ, उस दिन आप कमरटू घर के पास क्या कैच करने गई थी? वो कमरटू घर में ब्रह्म राक्षस रहता है, वो कहानी सुनी थी ना, उस पर फोटो जर्नल बना रही थी, द लेजेंड ऑफ ब्रह्म राक्षस। आप बात करो, बॉल इधर फंसी पड़ी है। ये मुन्ना मेरा छोटा भाई, हम दोनों जुड़वा है। छोटा मैं नहीं, तुम हो। मुन्ना पन्ना दोनों जुड़वा। अच्छा खाना पकड़ो। तुम कहाँ खो गया? ये लोग जुड़वा बच्चे कैसे पैदा करते हैं, सीखना चाहता हूँ मैं। क्रिकेट टीम काफी नहीं है क्या? क्यों, दो अंपायर मेरे घर से ही हो तो आपको तकलीफ क्या? सब जल्दी से रेडी होकर कमरटू घर आ जाना, वहाँ पूजा है, आज से हम वहीं रहेंगे। मतलब आज से आप लोग यही सकल हो? पागल हो क्या, जंगल में रहेंगे, अगले महीने इसकी शादी है, ये जीजा के घर और हम वापस बॉम्बे। तू गधी, लव मैरिज है कि अरेंज? वो तो नहीं जानता, लेकिन हाँ पंडित जी की घंटी बजते ही पूजा शुरू होगी। अगरू, पंडित जी घंटी बजाए उससे पहले उसने मेरी तरफ नहीं देखा, मतलब वो अपनी पसंद से शादी कर रही है, और अगर पंडित जी के घंटी बजाने से पहले उसने मेरी तरफ देखा तो मतलब आपकी प्यार की डोर पंडित जी की घंटी पे टिकी है। भैया वो पलटेगी क्या?
खोल सकते हैं। क्या देख रही है हमारी गुड्डी? फिश। फिशिंग चले? पहले स्टेशन चलेंगे, बाद में। पापा वो देखो बटरफ्लाई। ध्यान से गुड्डी। काजी किसे मिलना है? आसपास कहीं चाय मिलेगी? हाँ सामने को चाय का दुकान है, लेकिन आप हैं कौन? फोन से मंगवाई है। पुरनका इंस्पेक्टर का मोटरसाइकिल? ये तो रेखा इंस्पेक्टर है साहब। वो आपके कांस्टेबल मुन्ना तावड़े ने साहब लगेज लाए क्या? वो थोड़ा देर में आ जाएगा साहब। ये स्टेशन कम चक्कर भी ज्यादा लग रहा है। थाना ही नहीं साहब, पूरा गाँव है ऐसा। ये जगह जगह पर क्या लिखा है? पुरनका इंस्पेक्टर को केस के बारे में कुछ भी याद आता था तो दीवार पर लिख देते थे, ये भाषा वही समझते थे। पता है कि कोने पर विश्वास नहीं था ना उनको। चलो अच्छा है, बोल हुआ था पढ़ लूंगा। सर गुड मॉर्निंग सर। हर घड़ी का अलग अलग टाइम दिखाना आपके थाने का स्पेशलिटी है क्या? अब चाबी देना भूल गया साहब। आ गया हूं तो चाबी भी दूंगा। फैंटम ये सब किताब पुरनका इंस्पेक्टर साहब पढ़ते थे। मेरी बेटी को भी बहुत पसंद है। अच्छा है स्टेशन? ये अंग्रेजों का जमाना का बंगला है साहब, जो भी रहता था यहाँ मर जाता था, यही लिए इसको थाना बना दिया। चलो चेक इन बेटी। हाँ। नाम क्या है आपका? राजनंदन प्रजापति। कहाँ से? छपरा जिला पूर्वा तहसील साहब। अरे आप तो पड़ोसी निकले, हमारा जिला फूलपुर से है। डिपार्टमेंट में होकर बंदूक से लड़ते हैं? डिपार्टमेंट में हूँ हमको पता है, आपको पता है, लेकिन ये बंदूक को तो नहीं पता है ना। चाय लाइए। लाता हूँ साहब। रेणु को देंगे? अचानक पहुंच साला, मैं आपका बैग लेने गया था ना, अचानक बारिश आ गई और मैं भीग गया, लेकिन आपका सामान भीगने नहीं दिया सर। दूसरा बैग है सर, ये गिटार, सूटकेस, ये उड़ा सोते। एक और काला बैग है यार, जिसमें मेरी यूनिफॉर्म और चड्डी बनियान थी। मुझे तो काला बैग नहीं दिखा सर, आप बोले तो मैं फिर से देख के आता हूँ। जय हाँ रेणु। स्टेशन आ गया, मैं अभी पहुंच गया। गुड्डी मेरे साथ ही है, ब्रश नाश्ता सब करके आराम से बैठी है, तुम टेंशन मत लो ठीक है, दवाई लो, डॉक्टर की बात सुनो, मैं जाके चड्डी बनने लेके आता हूं। तावड़े जी। सर वो पुराने इंस्पेक्टर की लाश कहाँ मिली थी? कमरोटू घर के बावड़ी में मिली थी सर। सर लेकिन सिर अभी तक नहीं मिला सर। कमरोटू घर? उस कमरोटू घर में भूत है ऐसा सभी गांव वालों का मानना है सर। जनार्दन गंभीर जी ने उस घर में ताला लगाया, वो वहाँ किसी को जाने भी नहीं देते। जनार्दन गंभीर, एक गोली चावल भिजवा देना उसको। हाँ ठीक है था। सुन गाड़ी से बंटवा लेकर आ जा। ओ माय लव, ये गाड़ी किसकी है? चाहिए आपको? मैं एकनाथ गंभीर हूं। अरे मथुरा आकर श्री कृष्ण के बारे में पूछ रहे हो? ये मथुरा है क्या? नहीं। क्या वो श्री कृष्ण है?
नहीं, मेरे दादा जनार्दन गंभीर हैं। बुरा मत मानिए, यहाँ सिगरेट पीना मना है। मैं सिगरेट पी रहा हूँ, इस बात का आप बुरा मत मानिए। आप कौन? विक्रांत रोना। माँ, रानी मिल जाती तो गेम मेरा था। रानी इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, है ना आंटी? जब तक मिलते नहीं छोड़ूंगा। भैया, अभी मैं बाहर जा रहा हूँ, किस काम से आया हूँ? सुना इंस्पेक्टर सुरेश कृष्णा की लाश कमरे के घर के कुएं में मिली थी, सोचा वो जगह देख लूं। थोड़ा संभल कर सर, उस घर में ब्रह्म राक्षस रहता है। अभी जाऊंगा तो मिलेगा। ए, ये क्या मजाक है? अगर ऐसे ही बात करोगे तो अगली लाश तुम्हारी होगी। ओ, मुझे कुछ जलने की बुआ रही है गांधर जी, लगता है बहुत बड़ा राज छुपा रहे हैं। हो जाएगा। ए पकड़ो, और कितनी देर, कितनी बार कहा गाड़ी का दरवाजा ठीक करवा ले? अब बाहर जाने वाले थे गांधर जी, रास्ता तो उस तरफ है। कमरट्टू घर ऐसे सीधे गए तो कमरट्टू घर मिलेगा। धोती उठा कर जाना पड़ेगा, वो आदत है ना सर। क्या प्रजापति जी साहब, आप मोटरसाइकिल से अकेले ही निकल गए, हमको तो बैठने तक का टाइम ही नहीं मिला। शादी हुई है आपकी? नहीं सर। जल्दी कर लीजिए, कुआं देखने चलेंगे प्रजापति जी। साहब आप चलिए, हम पीछे पीछे आते हैं। भैया 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 भैया, ये मजबूत नहीं है, बहुत पुराना है, पीछे रहिए नहीं तो गिर जाएंगे। इंस्पेक्टर की लाश यही लड़की मिली, बस मुन्नी नहीं थी, मैंने उनको कितनी बार मना किया था फिर भी चले आए। उनको बीवी बच्चे नहीं थे ना मेरे जैसे, मुझे तो 10 बच्चे और 11 होने। मेरा नाम फकरुद्दीन, फकरु। लेकिन वो लाश को सबसे पहले संजू भाई ने देखा, मैंने नहीं। मैं जनार्दन गंभीर का बेटा हूँ, संजीव, संजू। संजू, संजू तुम्हें देखकर दिल में कुछ होता है? सब मुझे नहीं, जो जहां कर खिड़की से देख रही है उसे। खिड़की के उस पार जो है वो हाथ भी यानी चैनल होना सर, इस मोटी दीवार का क्या करें? लड़की के पीछे पड़े हो तो दीवार फांदना चाहिए, कुएं में कूदना भी। कैच। देख रहे हो क्या? वो कोई हेमा मालिनी है जो मैं उसे देखूं? तो ये देख रहा हूँ कि वहाँ चल क्या रहा है। बेटा, स्ट्रोक ठीक से नहीं मार रहे हो, बॉल बैट के मिडिल में होनी चाहिए, मिडिल में। आप तो मोटरसाइकिल को जहाज की तरह उड़ाते हो साहब, और हर बार हमको अकेला छोड़ देते हो। इतना जीप का टायर फट गया, लगता है कोनो कील जैसा कील घुस गया है। कील भी नहीं काटा भी है प्रजापति जी, टायर बस होने पे जो आवाज आई वो एक नहीं दो थी, एक टायर बस होने की और दूसरी उससे आधे सेकंड पहले बंदूक से निकली गोली की। गोली बंदूक से ही निकलती है प्रजापति जी, आपके पिछवाड़े से नहीं, शूट करने की तरीके से लगता है गोली ऊपर से चली है।
वो भी यहाँ से। कौन हराम खोर आप पर बुलेट चलाने का हिम्मत किया है साहब? आग है तो धुआं उठेगा ही प्रजापति जी। धुआं? धुएं के पीछे गए तो आग लगाने वाला जरूर मिलेगा। Thank you.
सर, बॉडी को उतार दिए। सर ये तो हमारे पूरा हिसाब का है, आपको कैसे मिला? यहाँ मार कर उधर लटकाएंगे तो ऐसे बताए तावड़े जी, ये बॉडी के साथ मिला सर। ए गोली हटा। वात्सल्या बहुत ही होना लड़की है सर, सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, इस बार तो लॉन्ग जंप में वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फर्स्ट आई थी, और तो और अपने खो खो टीम की कैप्टन भी हुई है। पीटी मास्टर आपका नाम? ओह, मेरा नाम लॉरेंस पिंटो है। मैं स्कूल का सिर्फ पीटी मास्टर ही नहीं, हेडमास्टर भी हूँ, लेकिन लोग सिर्फ पीटी मास्टर ही कहते हैं, आदत हो गई है। आप बस उस बच्ची वात्सल्या को जल्दी ढूंढ निकालिए सर। मास्टर लगता है आपको पता नहीं चला, कल रात उसकी लाश मिली। हे भगवान, वात्सल्या, वो बच्ची, और न जाने कितने बच्चों की बलि चढ़े थे इंस्पेक्टर। मरने वालों में से ज्यादा स्टूडेंट्स आपके स्कूल से थे मास्टर जी, आप बताइए। आप मुझ पर शक कर रहे हैं इंस्पेक्टर? स्कूल पहले जैसा था आज भी वैसा ही है मास्टर जी। इसे मेरे भाई ने बनाया सर, वो बॉम्बे में रहता है, उसे कला और साहित्य का बहुत शौक है। अब तक कितने बच्चे किडनैप हुए तवड़े जी? 16 बच्चे किडनैप हुए सर। बाद में क्या होता है सर? किडनैप के बाद बच्चों की बॉडी पेपर लटकी मिलती है। सारी बॉडीज में एक कॉमन चीज आपने क्या देखा तवड़े जी? हर बॉडी पर एक चिट्ठी मिलती है सर, और सबके चेहरे पर अजीब सी पेंटिंग बनी होती है सर। सर सर, हाँ बिल्कुल ऐसी। इसमें क्या लिखा सर? गरा 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 गर जरबा पिरंगल कुरी नेत्र परबा। मतलब क्या? गगरा मतलब भूतदेव के पैरों के घुंघरू सर, घुंघरू की झनकार से खून की होली शुरू होगी, ऐसा गांव वाले बोलते हैं सर। पहले भी समझाया था इस घर का दरवाजा खोलोगे तो अनर्थ ही होगा, अब क्या अपने बच्चों के मरने का इंतजार कर रहे हो? सब लोग मेरे घर रहने चलो। ठीक है भाई साहब, सही फैसला किया है जनार्दन गंभीर जी, बिल्कुल सही। प्रजापति जी, जी मेरा लगेज यहाँ पे लेके आ जाइए। कहा है साहब? क्योंकि कमरे तो घर ही, आज से मेरा घर होने वाला है प्रजापति जी, लेके आइए। ओए समझ क्या रखा है तूने, ये तेरे बाप का घर नहीं। सही है,
तो फिर किसके बाप का घर है प्रजापति जी? वो मेरे बाप का घर है सर। मतलब ये आपके बाप का भी घर नहीं है गंगर जी? जो मर्डर्स हुए हैं उनका इस घर से कुछ कनेक्शन है, आप ही ने बोला था गंगर जी। वो कनेक्शन मैं जानना चाहता हूँ गंगर जी। इसकी बात से क्या सुन रहे हो? चलो सुनो ध्यान से। जब तक खूनी का पता नहीं चलता तब तक सभी अपराधी है गंगर जी। पूछा नहीं बताया कि ये रहूंगा। रोकने की कोशिश की तो जिसके बाप का घर है उसकी कसम आगे जो होगा आपको पसंद नहीं आएगा गंभीर जी। आपने जिस औरत को देखा उनका नाम है देयू, निट्टोनी की माँ। ये निट्टोनी है कौन? वो कमरुट्टू के भूतनाथ मंदिर की देखभाल करता था। 28 साल पहले निट्टोनी और उसके परिवार की लाश वहाँ पर एक कुएं के पास मिली थी। उस दिन से उसका भूत उस घर में घूमता है और वो औरत अपने परिवार को खोकर पागल हो गई। तब से वो कमरुट्टू घर के आसपास घूमती रहती है। उसको कहीं उस इंस्पेक्टर की मुंडी मिली होगी तो उसने कमरुट्टू घर में फेंक दिया होगा। हमारे पोड़ी बाबा निट्टोनी की एक बात हमेशा बोलते रहते हैं, गर 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 चढ़पा पेरा नल खुरी नेथर फरपा। गुड डे, देखो अटारी पे क्या मिला मुझे, तुम्हारी फेवरेट कॉमिक्स। गीतांजलि रोना कहीं दिख नहीं रही है। मुझे गीतांजलि कहकर मत बुला, कितनी बार बोला है। अरे गुड्डी तुम यहाँ हो, मैं तो हर जगह ढूंढ रहा था। मुझे आपसे बात नहीं करनी है। क्यों गुड्डी, मैंने क्या किया? हमेशा मुझे अकेले छोड़कर चले जाते हो। आपको डर लगा? मुझे डर क्यों लगेगा? तो फिर मुझे गुस्सा आ रहा है। अब गुड्डी के गुस्से को टंडर कैसे करें? गुस्सा तो आपने ही दिलाया है ना, हाँ तो आप ही शांत करो। ये हवा सोई सोई हौले से गाए लोरी, ये हवा सोई सोई हौले से गाए लोरी, डोरे से भी टूटे नहीं नींदों की डोरी, नींदों की डोरी। चंदा मामा बादलों में चुप के सो गया, झिलमिल तारों के जहां में खो गया। चंदा की गोदी में तू सो जा मेरी राजकुमारी, सपनों की डोली में तू कर ले सवारी, तू कर ले सवारी। के साए से क्यों डर है जब तेरे पास ही हूँ मेरी गुड़िया, मेरी बाहों में तेरा घर है, उड़ के तू आ मेरी नन्ही चिड़िया। चांद तारों की तरह तू मुस्काए सदा, दिल से मेरे यही है दुआ। काली घटा मीठा पानी बन के बह गया, फूलों से प्यारी प्यारी बातें कह गया। तू भी सुन ले जरा बातें ये प्यारी प्यारी, बूंदे भी देखो कैसे गाए हैं लोरी, हाँ गाए हैं लोरी।
तुझ में बसी है मेरी दुनिया, दूर जो गई भर आए अखियां, तेरे कदमों पे आके रख दूं मैं तो ये जहां की सारी खुशियां। रूठती है तू जब भी प्यार से दूंगा, जब भी मैं हूँ गलत तू ही है सही। शोर न मचाना चुप हो जा फिजा, नींद भर नैनों को फिर से ना जगा। कोई कर लेना तेरी आंखों से नींद चोरी, सो जा जैसे सीपी में मोती, सीपी में मोती। इंस्पेक्टर का सर उस बुढ़िया का कहाँ मिला था तावड़े जी? सर वो बुढ़िया तो पागल है, मिला होगा कहीं। बच्ची की लाश जहाँ मिली वो जगह किसकी है? सर वो तो मूसा खाने की जमीन है। चलिए सर। कौन है मूसा खाने? उससे थोड़ा बचकर ही रहना सर, यहाँ से बहुत सारा माल बॉर्डर के उस पर ले जाता है और वहाँ से लाया माल यहाँ इलीगली बेचता है, सब गैर कानूनी काम करता है, पता नहीं क्या क्या करता है, लेकिन आज तक किसी में उससे बात करने की हिम्मत नहीं है। क्या नहीं है? हिम्मत क्या नहीं है प्रजापति जी? हिम्मत नहीं है साहब। वो तो टन के हिसाब से मेरे जिगर में भरा है प्रजापति जी। ये मूसा खाने का मिलेगा। चेक पोस्ट के पास एक बार है सर, वही अड्डा है उसका, एक औरत चलाती है वो बार। नाम राकेल डी कोस्टा है सर, लोग उसे गडंग रकम बुलाते हैं। क्या औरत है सर? बहुत शानी है। ए रकम मुझे क्यों नहीं दे रही रे? अबे पहले के पैसे कौन भरेगा, तेरा बाप साला बेवड़ा। तू गाली देती है ना तो नशा और चढ़ता है, तो साले कान के नीचे बजाऊंगी तो नशा और चढ़ जाएगा ना। अबे उसे मार कर अपने नाजुक हाथों को क्यों दिखा रही हो रकम? अरे शपथ, मेरे को सच्चे बिल्कुल ही नहीं पता था कि हिरन की खोज में शेर यहाँ तक आ जाएगा। उसको रिश की तो गजब तैयारी है, एक है शिकार तो दूसरा शिकारी है। ए, आपको पहचानती है कहाँ? और नहीं तो क्या, पूरे गांव में आजकल बस एक ही नाम का ही तो चर्चा है, विक्रांत रोड़ा। इंस्पेक्टर बोलो ना, क्या लेना चाहोगे? लेने को तो सब कुछ ले सकता हूँ रकम, लेकिन आने की वजह कुछ और। मूसा खाने कहाँ मिली? सुहागरत में फेरे कौन गिनता है, वो बहुत नादान है, थोड़ा होशियार है ना। होशियार उससे रुको या तुमसे रकम? मुझसे होशियार रहने की क्या जरूरत, बस नशा चढ़ने दो। कमरोडू चेक पोस्ट पर मिलेगा, 15 मिनट बाद आने वाला है। तुम्हारे साथ और वक्त गुजारने का मन था रकम, क्या करें, समय का अभाव है। चलिए प्रजापति जी। हाँ जी सर। वापस तो आओगे ना इंस्पेक्टर? तुम्हें देखने के बाद भी अगर मैं वापस नहीं आया तो इस दुनिया में मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा रकम। इंतजार करूंगी इंस्पेक्टर। सर उसने अभी तक चेक पोस्ट क्रॉस नहीं किया, अब तक तो आ जाना चाहिए सर, उसके यहाँ पहुंचते ही बताता हूँ सर। सर नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग सर। ये मॉर्निंग है क्या?
अरे हाँ, नाम क्या है आपका? बालू, बालू सर। बालू, इस चेक पोस्ट पर सुना है आपकी जानकारी के बिना कुछ नहीं होता है। अरे आपको कैसे पता चला सर? कुछ नहीं छिपता मुझसे। तो फिर आपसे संभल के रहना होगा। आप भी ना सर, आप तो अच्छे आदमी हो, लेकिन सर आप उस मूसा को छोड़ना मत सर। चलिए। अच्छा नमस्ते सर। बारिश में तो एक बनता है गुड्डी। कुछ भी बहाना बनाते हो आप। बारिश, ठंड। ठीक है छोड़ो, मेरा दोस्त भास्कर कहता है कि जब सारे अमेरिकन एक साथ सुसु करते हैं तो हम पर बारिश होती है, और जब हम एक साथ सुसु करते हैं तो अमेरिका में बारिश होती है। ऐसा भास्कर ने कहा। अगर ये भास्कर मिला ना तो चिंटू उतर के मारूंगा उसे। आपको भास्कर का नाम सुनते ही इतना गुस्सा क्यों आता है? ऐसे ही नहीं। उसकी गाड़ी आ रही है सर। मैं आता हूँ एक्चुअली। महोदय मूसा खाने। अरे बैठो। नमस्ते मित्र, मैं तो आपसे मिलने की सोच ही रहा था, लेकिन आप खुद इस नाचिस के सामने आ गए। एक बात बोलो मूसा, पूरे गांव में पूछा सबसे कमीना कौन है, सब ने कहा तुम हो और सिर्फ तुम हो मूसा। क्या बोलू? हाँ सर यही है। क्या हुजूर, मुझसे ऐसी क्या गुस्ताखी हो गई? गुस्ताखी हुई है मूसा, बस पकड़े नहीं गए। जान दे बता, बॉर्डर के उस पर क्या माल लेकर गया और क्या वापस लेकर आया? आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चाहे तो जीप की तलाशी ले सकते हैं। वो बच्चे की लाश कल तुम्हारे जमीन पे मिली थी ना मूसा? हाँ हुजूर, मुझे भी बहुत बुरा लगा, लेकिन मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हो सकता है नहीं भी, लेकिन इंस्पेक्टर सुरेश कृष्णा के मौत से तुम्हारा कुछ तो ताल्लुक होगा ना मूसा? बहुत अच्छा आदमी था, भगवान हमेशा अच्छा। वो क्या है ना मूसा, जब भी कोई नौटंकी करता है तो मेरा हाथ ना अपने आप चल जाता है। क्या करें? हुजूर, गांव में पहले भी कई लोग गायब हो चुके हैं, होशियार रहना। क्या? कहीं तुम भी उनकी तरह गायब ना हो जाओ। मैं उन लोगों में से नहीं हूं सर, अब वही बात दूसरे अंदाज में बोलता हूं। मुझसे पंगा लेने वाला कोई भी अपने घर वापस नहीं गया मूसा। मेरे साथ मिल जा, क्यों कुछ रुपए कमाने के लिए सरकार का कुत्ता बना फिर रहा है? मैं कुत्ता इसलिए बना कि तुम जैसे बिजली के कमों के आगे टांग उठा सकूं मूसा। कुत्तों से पंगा लेना मूसा, इस पागल कुत्ते से नहीं। बच्चा है तो अभी। संजू भैया, जीतने वाला मटका फोड़ के ताड़ी पीता है, भटक लीजिए। भैया ये लंदन वाला नहीं, देसी माल है, आपके बदले मैं ही पीऊं। पी ले। संजू मैं भी पीऊं? आप? ओए लड़कियां नहीं पीती है ना संजू? संजू भैया आप इन्हें इसी तरह हराते रहे, मैं पीता रहूं, आज तो हमारा ही दरबार है। हमारे संजू भैया के बाजुओं में बहुत ताकत है। ऐसा क्या सच्ची में ताकत है या सब दिखावा है? अभी पता चल जाएगा। क्या लड़की के आगे बेइज्जती करवा दी रोना सर? लड़की चाहिए तो इज्जत की बात भूल जा। अरे अगर इज्जत गई तो मैं जीतूंगा कैसे? यहाँ हराया था कि तो वहां जीत सके सर।
ताकि वहां जीत सके। सर थैंक यू। चाहिए या तेरी? नहीं नहीं मेरी। और गाऊंगा तो मेरी हो जाएगी। गाऊं? नहीं नहीं सर मैं गाता हूं ना। देखो दिल की किताब का पन्ना सुनना सारे नखरे छोड़ के तू आजा 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 आ सके मेरी बना।
चटो, चलो पिछटो, 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 पिछटो। चेक पोस्ट कार्ड बालू है साहब। मेरा बेटा बालू, बालू। एक पुराना कब्रिस्तान है ना, वहां देखा था। देखने में बहुत डरावना था रोना सर। मुंह पे रंग लगाए, भूत जैसा नाच रहा था वो। क्या ऐसा रंग लगाया था? ऐसे ऐसे ही था। क्या कर रहा था आपका वो भूत? अजीब तरीके से नाच रहा था और फिर अपने हाथ को आग के ऊपर रखकर जोर से चिल्लाने लगा। सर वो दूसरे चेकपोस्ट गार्ड का भी मर्डर हो गया सर। उसकी लाश कमरुट्टू जंक्शन के पास मिली है। एक मिनट बताती हूँ। डोना सर, डोना सर, आप मुझे यहाँ क्यों ले चले? रोना सर बात क्या है? रोना सर को ये सब बताएंगे या मुझे भी कुछ बताएंगे? कल जिस जगह पे मैंने भूत देखा था वो कांस्टेबल है ना तावड़े, वो वहीं घूम रहा था। रोना सर, इतने खून करने के बाद एक इंस्पेक्टर का भी खून कर दिया और पकड़ा नहीं गया, मतलब खूनी पक्का पुलिस वाला ही है। रोना सर, तो आपने ये रोना सर को पुलिस स्टेशन में ही क्यों नहीं बताया? वो कांस्टेबल भी वही था इसलिए बता नहीं पाई। लगता है नहीं है पन्ना। संजू, ये सब क्या? वात्सल्य सालियां श्रीनाम। अरे हाँ, ये तो वही लड़की है जिसकी बॉडी मिली थी। यहाँ तो सब लापता बच्चों के ही आर्टिकल्स है। ये हमारी फोटोज कब निकाले? ये सब तो मरे हुए बच्चों के फोटोज लग रहे हैं। करा 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 गक्करा जरबा पिरा नलकुरी नेत्तर परबा। करा 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 गक्करा जरबा। संजू, पुराने इंस्पेक्टर का खून होने के दूसरे दिन ही नए इंस्पेक्टर आ गए और उनके बात करने का ढंग, बर्ताव का तरीका और तो और कमरुट्टू घर में ही रहने की जिद, ये सब कुछ आपको अजीब सा नहीं लगा? रात को जब मैंने वो भूत देखा वो आग पर हाथ रखकर जोर से चिल्ला रहा था और आज देखा तो इंस्पेक्टर के हाथ में बैंडेज था। वो पुलिस वाले ही है ना? आज तक कभी आपने उनको पुलिस यूनिफॉर्म में देखा है? कौन पुलिस वाला दाढ़ी रखता है? और वो पुलिस ही है, इसकी क्या गारंटी?
आइए आइए, बोड़ी बाबा अंदर ही है, जो कुछ पूछना है सब कुछ पूछ लीजिए। बोड़ी बाबा, संजू भैया आए हैं, बड़े मालिक के लड़के। इनको देवू के लड़के के बारे में जानना है। देवू का लड़का 28 साल हो गए होंगे, निट्टू ने कमरोटू के भूतनाथ मंदिर की देखभाल करता था। बीबी गुरबी, माँ दयू, बच्चे माधव राघव और एक बेटी, यही उसकी जिंदगी थी। एक दिन हमारे गांव में जानकी राम नाम के हेडमास्टर आए। निट्टोनी खुद तो कभी पाठशाला गया नहीं था, पर उसके बच्चों को पाठशाला जाने को कहा गया। हमारे लोग उस शाला में, वो सब की चिंता तुम मत करो, बस बच्चों को पाठशाला भेज दो। तीन एकदम तीन, तीन दूरी छह, तीन पिया नौ, आगे क्या होगा? अम्मा, पाठशाला नहीं जाना, बड़े घर के बच्चे बहुत परेशान करते हैं। घाबरो नको बेटा, नवीन मास्टर आने ना, सब ठीक हो जाए। बहुत परेशान कर रहा था तो मुझे भी रहा नहीं गया, लगा दिया है। नहीं रे बाल, मुझे तो सच में नहीं आता। मैं सिखाता हूँ। एक कुत्ते, हमारा पानी पिएगा? अब कैसे छुआ तूने? हाँ, हॉस्टल पे चढ़ गई। हाँ, वो कह रहा है? कुछ नहीं सर, वो पानी पानी सर, वो पूरे लोगों की संगत में राहुल, एक दिन बच्चा संजू भूतनाथ मंदिर के गहने चुरा कर भाग गया, लेकिन गांव के जमींदारों ने अनजाने में चोरी का इल्जाम निट्टोनी पर लगा दिया। लिखा था, तो हमारी मौत के जिम्मेदार है, उनका वंश खत्म हो जाएगा। घर
ಶಂಕರ ಜರ್ಪ ಪೀರನನ್ ಕುರಿ ನೆತ್ತರ ಪರ್ಪ ಚಲ್ ಜಲ್ದಿ ಕಷ್ಟ हुजूर सोच लीजिए, मेरे आदमी यही आसपास ही हैं, आपकी जान को खतरा हो सकता है। आप तो समझदार हैं, मेरे बारे में आपने सच ही कहा। मैं बॉर्डर से इधर का माल उधर और उधर का माल इधर करता था। चेक पोस्ट के पास ना जनरल ने इल्सी मूटे गला ना गुड़ दिन द सारस्ते ने न्याना तब्बू उप्पी कुंडे बंदियां ना स्टेशन के ऊपर हिरते नल्ला हेले देने निल्सी अन्ना अन्ना जनरल ने हेदर से दूर इट लिखे ನಮ್ಮವನಿಗೆ ಭೂತದ ವಿಷ ಹಾಕಿಸ್ತಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾನು ಕೊಂದಿಲ್ಲಣ್ಣ, ಅದೆಲ್ಲ ಆ ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸನ ಕೆಲಸ ಅಣ್ಣ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ನೀನ್ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸನ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇವತ್ತು ಆ ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸ ನಿನ್ನ ಕೊಲ್ತಾನೆ. ಅರೆ ಮುಸೆ ಕುನಿ ಅಲ್ವಾ ಸರ್, ये तो ब्रह्म राक्षस का काम लग रहा है। भूत नहीं प्रजापति जी, ब्रह्म राक्षस।
मैं तो कल की सुबह तक तेरा हुआ, कटर राशिक हूँ नहीं कोई निकम्मा, काजू कतली कमर खींचे सबकी नजर, तेरे लटके झटके बोले रे छम्मा छम्मा, कट पीऊंगा तुझे सुक्का रकम्मा, रा 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 रा, अरे एका सक्का एका सक्का एका सक्का। सारे जंगल में है सिंगल मेरा हंगामा, तेरा होगा शिकार, मैं हूँ बंदा खुखार, मुझ पे ना चल पाएगा गोरी तेरा ड्रामा, तू है चिल्लम मैं तेरा हुक्का रकमा, रा रा रकमा, रा रा रकमा, अरे कसका ये कसका ये कसका। इंस्पेक्टर साहब, ड्रामा कर रहे थे मास्टर जी। वो अगले हफ्ते स्कूल का एनुअल फंक्शन है ना, इसलिए बच्चों के साथ रामायण पे जरा रिहर्सल कर रहे थे। मुसा खाने को क्यों मारा? मैंने किसी को नहीं मारा। नहीं मारा? सच सच में? अरे वो क्या है ना पीटी मास्टर, मूसा के चोरी का माल जो है आपके स्कूल के पीछे वाले गोडाउन में रखा जाता है, कल ही पता चला, तो आपका और उसका लगा कुछ तो कनेक्शन होगा मास्टर, तो आपने नहीं मारा? सच? मैंने किसी को नहीं मारा सर, ये स्कूल और इसकी पूरी जमीन जनार्दन गंभीर जी की है, मैं सिर्फ स्कूल चलाता हूँ सर, और मैं कुछ नहीं जानता। गलती हो गई हमसे मास्टर जी, क्या प्रजापति जी बोल रहे कि नहीं किए, हम भी इधर आके ना फालतू में टाइम वेस्ट कर, हम ये सोच रहे हैं साहब कि आप भी सोचते हो वो साहब बताइए, हम गांव वालों पर शक कर रहे हैं, और अगर इसमें कौन है बाहर वाले का हाथ हुआ तो? संजू भैया मैंने तो आपको एक बात बताई नहीं, वो मुझसे कहने था ना, दूर का रिश्तेदार था मेरा, मेरे जैसे दिखता भी था, ये आपके संबंध को किसने फेंका? पहने के बाद ही उसके पीछे छिपे असली चेहरे का पता चलता है, पर्सपेक्टिव ऑफ अ क्रिमिनल। हाँ क्या बुलाऊं मैं आपको? संजू नहीं कह सकता, संजू तो मर चुका है, किस नाम से बुलाऊं सर? सर ये आप क्या कह रहे हैं?
गंभीर। ये कौन है इसे पूछ लीजिए। गहों की और अपनी मां की बातें किया करता था। जब उसे यह बात पता चली कि मां को कैंसर हुआ है, तो पापा से नाराज होने के बाद भी मां के मरने से पहले एक बार उसे देखने के लिए टेलीग्राम भेज के मिलने की तैयारी की। लेकिन एक दिन पहले ही एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। एक बेटा मरने से पहले अपनी मां को नहीं देख पाया, कम से कम मां मरने से पहले अपने बेटे को तो देख ली। इसीलिए मैं संजू बनकर यहां मुझे माफ कीजिए। मैंने बता दूं मैंने आपको बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन मौका ही नहीं मिला। मैं आपका बेटा संजू नहीं हूं। मेरा नाम तुम मेरे बेटे संजू हो। तुम मेरे से चुना इस पर बटन लगा रही हूं। आज कोई दूसरी कमीज पहन लो। ये फोन कहाँ होगा? ये है राकेश भैया, जिसे पन्ना दीदी की शादी हो रही है, और ये संजू भैया। पखरू ने तुम्हारे बारे में सब बताया? सब कुछ नहीं बताया, थोड़ा छोड़ा दी। वही टेबल पर है। एक है, पता नहीं था ना आप आ रहे हैं। इनको भी नहीं पता था आप आ रहे हैं। आप पीछे ये आपके लिए ही बनी है। एक चाय के लिए दोनों में झगड़ा क्यों? कोई एक तो पी लो। राकेश अन्ना संजू की जरूरत नहीं है संजू। आई एम रियली सॉरी। मैं मां और पापा से बात। सॉरी मत बोलिए संजू। संजू प्लीज संजू। मैं
तुम्हें पहले ही दिखा देनी चाहिए थी। इसके हिसाब से अगले 6 महीने तक कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। पीटी मास्टर, क्या हुआ? साइकिल पंक्चर हो गई थी और मास्टर जी सड़क पे खड़े थे सर। स्कूल तकलीफ दे रहा था, रास्ते में आपका घर देखा तो सोचा आपको एक हेलो बोल के जाऊं। इंस्पेक्टर, आप क्यों आए हो? शेर का शिकार करने के लिए बकरी को पेट से बांधना पड़ता है गंभीर जी, लेकिन बांधने के बाद बीच में इसके लिए जाना सही है क्या? क्या होगा? बकरी को शेर खा जाएगा सर। यह हमारा होने वाला दामाद। मुद्दे पर आते, मूसा खान ने नाग के बकरे को बांधकर शेर का इंतजार कर रहा था। ये घर के वापस आने तक बकरा मर चुका था। बकरू, आपने सही कहा था मास्टर जी, स्कूल के पीछे वाला गोडाउन गंभीर जी का ही है, लेकिन उसे इस्तेमाल करने वाले मूसा खाने और उसका पार्टनर दोनों मिलकर अपने रास्ते में आने वाले पुराने इंस्पेक्टर को पहले मारा और फिर चेक पोस्ट पर इंफॉर्मेशन देने वाले गार्ड्स को। कहीं मुंह ना खोल दे इस डर से मूसा खाने को, मतलब अपने बकरे को मारने वाला वो शेर कौन है जानते हैं मास्टर जी? उसी का पार्टनर, वही खत्म नहीं हुआ। कल मेरे ही घर आके मुझे ही मारने आया, मुझे ही। लेकिन ये सब हमें क्यों सुना रहे हो? तो क्या पड़ोसी को सुनाओ गंभीर जी? जिसने खून किया है आप ही में से एक है। मुझे पुराने इंस्पेक्टर के पर्स से 1 रुपए का नोट मिला। पहेलियों में लिखने की आदत थी बेचारे को। इस पे 183 करके लिखा है। ये मूसा खाने की जीप का नंबर पहले चल गया था, लेकिन यहां नंबर 1 के बाजू में नॉर्थ करके लिखा है। मैंने भी उत्तर दिशा में देखकर ये नॉर्थ क्या हो सकता है सोच के बहुत सरका पाया। बाद में पता चला ये नॉर्थ नहीं, नॉर्थ है। एक नॉर्थ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर फिर से भागे तो गोली जहां घुसेगी उससे खड़ा होना तो दूर, सुबह को बैठना भी मुश्किल हो जाए। देखना जी ये क्या एक दांत, ये सब निटोनी का शाप है। निटोनी परिवार की आत्महत्या के हम दोनों ही तो जिम्मेदार हैं। भूतनाथ के गहने चोरी हो गए और वो चोरी निटोनी ने की, ये बात विश्वनाथ ने कही और मैंने भी बिना पता लगाए सारे गांव के सामने निटोनी को चोर बना दिया। जब ये पता चला कि वो गहने संजू ने चुराए तो निटोनी के पूरे परिवार ने उस बेइज्जती के चलते आत्महत्या कर ली और अब उसी निटोनी का भूत हम सब से बदला ले रहा। साहब, आपको कैसे पता चला कि वही आदमी खूनी है? मैंने कब कहा कि खूनी वही है प्रजापति जी? गड़ंग रकम के साथ कैसे नाचने गया था? मतलब आप कह रहे हैं कि बच्चों का खून उसने नहीं किया? उसका भी पता चल जाएगा। एक्चुअली इसका जवाब पन्ना जी देंगे, है ना पन्ना जी? हेलो रोना सर, यहाँ तक आई है तो कुछ बताने के लिए होगा या कुछ पूछना? बताइए या पूछिए।
वो रोना सर, आपने कमरोटो घर की अटारी में वो सब फोटोज लगा रखी है ना, वहाँ मैंने कुछ लेटर्स भी देखे, वो सब क्या है? वो बच्चों के बॉडीज पे मिले लेटर्स हैं, खूनी के लिखे हुए। 28 इयर्स पहले जब निटोनी के परिवार ने सुसाइड किया था, उनके सुसाइड नोट में जो था वही इन लेटर्स में है। कर 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 जरबा पीरन अलकुरी नतर परबा। कौन है निटोनी? कामर जी भी उसके बारे में बोल रहे थे। 28 साल पुराना केस है सर, गांव के सभी लोगों को पता है। निटोनी फैमिली की सुसाइड का इन बच्चों के मर्डर्स के साथ क्या कोई लिंक हो सकता है? 28 साल पहले जिन्होंने आत्महत्या की उनका इन बच्चों से क्या संबंध? निटोनी के सुसाइड नोट में जो भी उसकी फैमिली की मौत का जिम्मेदार है उनका वंश खत्म हो जाएगा ऐसा लिखा था। ये आपको कैसे पता? वहां गई तो बोड़ी बाबा ने बताया। मरे हुए बच्चों के माँ बाप और निटोनी का संबंध है। जब एक फैंटम मरता है तो उसका बेटा अगला फैंटम बनता है, इसीलिए लोगों को लगता है कि फैंटम भूत है। थोड़ी जी साहब, ये आखिरी फाइल। निटोनी के परिवार में मरे थे 5 चले गई लाशें मिली थी 4, निटोनी, उसकी पत्नी गुरबी, 6 महीने की बच्ची और छोटा बेटा राघव। प्रजापति जी, बड़े बेटे का नाम क्या है? साहब माधव। माधव, उसकी लाश नहीं मिली। ये 28 साल पहले का स्कूल का रिकॉर्ड है सर। बच्चे जो मरे उनके पिता 28 साल पहले एक ही क्लास में पढ़ते थे। उसी क्लास में पढ़ने वाला एक और लड़का निटोनी का बेटा माधव। इतनी देर क्यों लगा दी? हाँ, फोन किया तुमने? हाँ, परेशान मत। लो आ गए। आप लोग कहाँ? वही अपने कमरों के साथ में। कुंडली के हिसाब से सगाई आज ही हो जानी चाहिए, वरना 6 महीने तक रुकना पड़ेगा। हमारी परंपरा के हिसाब से बड़े लोग बैठकर तय करते हैं, लड़की का होना जरूरी नहीं। तुझे दोबारा देखने की इच्छा थी वो भी पूरी हो गई। पन्ना की शादी तक तो जी लूंगी, मरने से पहले बस एक इच्छा है बेटा। माँ बार बार मरने की बात करोगे ना, तो अगर इस बार भागा तो लौट कर कभी नहीं आऊंगा। अरे ऐसा मत बोल बेटा, मेरे भाई की बेटी है रीमा, बहुत सुंदर है, तू देखेगा तो बहुत पसंद आएगी। अगर तुम दोनों की शादी हो गई तो टूटा रिश्ता फिर से जुड़ जाएगा, फिर मर भी गई तो कोई बात नहीं, मेरी बात मानेगा ना? पन्ना, माधव उन बच्चों को मार रहा है जो उसकी फैमिली की मौत के जिम्मेदार है। लास्ट मेट्स के बच्चों को तो मार दिया, नेक्स्ट हम तो नहीं। चुप रहो, ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं, वो जनार्दन अंकल कह रहे थे ना, वो और हमारे पापा निटोनी की फैमिली की मौत के जिम्मेदार है। नेक्स्ट
मैं, तुम, फिर संजू। रुको, मैं बस चलता हूँ। डर लग रहा है। कैसे? रास्ते में मुझे मिले, आपके घर का पता पूछा, अब आप जानो वो जान। वो इंस्पेक्टर, आप यहाँ कैसे? मास्टर जी, कांस्टेबल तावड़े के हाथ आपने स्कूल के पुराने रिकॉर्ड भेजे थे। हाँ, तो उसमें 28 साल पहले के रिकॉर्ड्स के मुताबिक जानकी राम नाम के कोई हेडमास्टर थे। हाँ। आज भी है। सुना था पुणे में थे, अब है या नहीं पता नहीं। जब वो हेडमास्टर थे तब उस स्कूल में एक लड़का था, उसे ढूंढ रहा हूँ मास्टर जी। इस बिल्ली ने तो परेशान कर रखा है, और ऊपर से आज मैंने मछली बनाई है, ये पकड़ू है ना। जानकी राम जी के बारे में बोल रहे थे आप। जानकी राम जी का फोन नंबर कहीं तो लिखा था, एक बार अंदर जाकर ढूंढता हूँ। हाँ, साथ में आपके लिए बढ़िया चाय भी बनाकर लाता हूँ। मुश्किल से जुगनू पकड़े थे, देखो ना वो सपने जो ने कैसे उड़ गए। पापा, आप क्या सोच रहे हो? एक सवाल का जवाब नहीं मिल रहा कुटी। मेरा फ्रेंड भास्कर मुझसे कहता था कि अगर एग्जाम में किसी भी सवाल का जवाब पता ना हो तो राम, कृष्णा, शिवा इन भगवानों के नाम लिख दो, जिससे टीचर सोचे कि भगवान को गुस्सा ना आए और वो मार्क्स दे देंगी। लॉरेंस पिंटो, ज्योति पर शिवलिंग का टैटू। फैंटम मरता है तो उसका बेटा ही अगला फैंटम बन जाता है। लॉरेंस पिंटो ही मिटोनी का बेटा माधव है। अंदर घुस जाएंगे। कोई और रास्ता? और कोई रास्ता नहीं है, नीचे जाते ही नदी मिलेगी। नदी पार करने पर वहाँ भूतनाथ का मंदिर है, उसे तो 28 साल पहले ही बंद कर दिया गया था। ले चलो। भैया, वहाँ तो कोई नहीं जाता है। हाँ भैया, यही भूतनाथ का मंदिर है। वहाँ ले चलो मुझे। हाँ।
भैया देखता हूं, आप जल्दी आना। La 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 la
कमरे तुम नहीं गए तो क्या शादी रुक जाएगी? जाना जरूरी है। हफ्ते भर की तो बात है, आप खोलोगे हम सामने होंगे। काशीराम, हाँ मास्टर जी, मिश्रा रोजा, हाँ मास्टर जी, मिश्रा थोड़ा, हाँ मास्टर जी।
Yeah!
देखो मैं कहाँ हूँ। कम ऑन पप्पा। में जो लाश मिली थी सभी को वो राघव की लाश लगी, लेकिन वो संजू की थी, जिसके साथ पूरी जिंदगी बिताने की सोची वो ही जान लेना चाहता था। हमने जिसे शैतान समझा उसी ने हमारी जान बचाई। विक्रांत रोना। बम्बई पहुंच जाओ तो संजू से एक बार फोन करके पूछना कि वो लंदन से वापस कब आएगा। कितना शैतान है, बिना बताए ही हम सबको यहां से चला गया। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, पता है ना।